अस्सलाम वालेकुम। तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक ही होंगे। तो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं निकल चुका हूँ राइड पे। तो राइड करने का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि आज सुबह मेरा ट्यूशन था, तो मैं ट्यूशन मिस कर चुका हूँ। अरे वाह, क्या बताया यार, मैं सो गया था। मतलब आज पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही ज़्यादा टायर्ड लग रहा था और मैं नींद से उठ ही नहीं पाया। और ट्यूशन भी था तो मैं ट्यूशन मिस कर चुका, तो सोचा ट्यूशन जब मिस कर चुका हूँ तो घर में बैठ कर क्या करें, तो चलो एक ब्लॉग करके आते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो ख़ास ब्लॉग तो नहीं है, तो मैं फ़िलहाल निकल चुका हूँ अपने एरिया में और अपने लोकल में, तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी देख सकते हैं रेल गेट भी बंद है, तो चलिए एक बाइक को साइड करके रखते हैं अभी और गेट खोलने का इंतज़ार करते हैं। चलो यहाँ पर रुकता हूँ। तो बात कुछ ऐसा था कि 8 बजे से ट्यूशन था, तो मैं ट्यूशन मिस कर चुका हूँ। तो अभी सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ब्लॉग करके आ जाऊँ बाहर से, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे चैनल पे कोई वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है आज। तो दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने रेल गेट तो क्रॉस कर ली, मतलब आधा घंटा वहाँ पर चला गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यू मैन कैसा ब्लॉग मिलता है आज हम लोगों को। साले कुछ भी मतलब कुछ भी। तो चलिए खाली रोड ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो वैसे मैं कुछ दिनों से मतलब राइड पर नहीं निकल पाया, क्योंकि बारिश तो हो रही थी हमारे इलाकों में, और मतलब बहुत सारे रीज़न हैं। तो चलिए मैं धीरे धीरे आप सबको एक एक करके बताता हूँ। पहले तो बारिश है, उसके बाद था फैमिली प्रॉब्लम, मतलब काम घर में, अबू का काम, मम्मी का काम, दुकान लाना मतलब राशन लाना, और भी बहुत सारे हैं। तो चलो, काम तो रहता है हर किसी को। तो ये जाम छूटने वाला है या नहीं मुझे पता नहीं, शायद मतलब ऐसे ही मिलता रहेगा शायद पूरी रोड। यो मैन, मजा आ रहा है बहुत राइड में। यार क्या था ये, मतलब ऐसे लोगों के लिए एक्सीडेंट होते रहते, क्योंकि देखा ना अभी आप लोगों ने रोड कैसे क्रॉस कर रहा था, मतलब वो लड़की मतलब औरत चाची माँ कैसे रोड क्रॉस कर रहा था। थोड़ा देरी मतलब अभी हो गया, एक गाड़ी उसको ठोक देने वाला था। चलो, तो दोस्तों ये है हमारा सिटी का मेन रोड, तो जिसमें हम मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, तो यही मेन रोड है और जाम रहता है, क्योंकि बहुत सारे दुकान रोड के ऊपर चढ़ गए हैं अभी। तो उम्मीद करता हूँ ये रोड बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, मतलब इतना जाम नहीं रहेगा। ব্লগ করতে বেরিয়েছি, রাইড ফাইট কিছু নেই, ব্লগ করতে বেরিয়েছি আমাদের কলেজে ব্লগ করি। খাবি নাই নাই খাবো না। কলেজ কি করতে যাবি? লাইব্রেরি পড়াতে যাব। ক্যামেরা অন আছে, ক্যামেরা অন। আমি কিছু বলবো না, আমি অফ কর, কিছু বলবো ক্যামেরা অফ কর। तो कुछ रास्ते में कुछ दोस्तों से मुलाकात हो गई, तो उन लोगों ने कहा चलो आज कॉलेज चलो मेरे साथ, हम लोगों के साथ तो कॉलेज में ब्लॉग करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है,
तो मैं थोड़ा सा अभी बाजार की तरफ आता हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम है, तो उसके बाद मैं कॉलेज जाऊंगा। तो चलिए अभी बाजार के अंदर चलते हैं और देखते हैं ये भाई क्या रिएक्शन मिलता है हम लोगों को। चलो इस वाले गली से निकल लेते हैं। कट मार लो यार, कट मार लो, कट मार लो, इधर से कट मार लो, फिर ये जैम है तो इधर से कट मार लो। हमारे पंडितसर में बहुत सारे गली हैं, हमारे पंडितसर यहाँ जाम रहेगा तो इधर से कट मार लेंगे। या अपना टाउन है यार। ओहो यो बॉय, यो बॉय मस्त मलंग, कुछ ज्यादा ही बक रहा हूँ शायद, क्योंकि मजा आ रहा है आज राइड में, क्योंकि फुल फॉर्म में निकला हुआ हूँ आज, पूरा फॉर्म में हूँ, मतलब सामने जो आएगा उसे कट मार देंगे। दोस्तों ये रहा मेरा पुराना स्कूल। तो दोस्तों जब मैं बचपन में स्कूल आया करता था तो इसी जगह पे हम लोग बैठा करते थे, मतलब ये पार्क है, तो अभी ये पार्क कम खंडर ज़्यादा लगेगा क्योंकि सब कुछ टूट फूट चुका है, तो सिर्फ नाम पार्क रह चुका है, मतलब है कुछ नहीं पार्क जैसे। तो यहाँ से मैं सीधे कॉलेज जाऊँगा, अभी कॉलेज के लिए निकलूँगा। कॉलेज के रोड पर हूँ और मैं जा रहा हूँ कॉलेज, मतलब कॉलेज के सामने पहुँच ही चुका हूँ। तो चलिए देखते हैं कॉलेज के अंदर जाके के क्या हो रहा है अभी। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मैं कॉलेज के अंदर पहुंच चुका हूं और यहां पर मास्क पहनना मतलब सही रहता है, तो इसलिए मैंने मास्क पहन लिया। तो मैं कॉलेज के अंदर हूं और पीछे देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लोकेशन है हम लोगों का, लेकिन सामने जो है जो ग्राउंड था हम लोगों का वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो अभी तो देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन्स कम हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मेरे पास एक फुटेज है 2018 का, तो वो फुटेज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि कॉलेज में कितना चेंज आया है हरियाली में, मतलब ग्रीन्स में कितना चेंज आया है, और मतलब पूरा चेंज हो चुका है कॉलेज हम लोगों का, मतलब ख़राब हो चुका है, मतलब पहले जैसा था वैसे अब नहीं रहा, मतलब वैसे एकदम ही नहीं है मतलब जैसे था पहले। तो अभी देख सकते हैं बहुत ही पेड़ मर चुका है, पेड़ों को काटा जा चुका है, और इधर भी देख सकते हैं आप लोग जो हमारा ये रोड देख रहे हैं आप लोग, ये रोड बहुत ही अच्छा था, मतलब चारों तरफ मतलब हरियाली थी, मतलब बड़े बड़े पेड़ थे, तो वो पेड़ अभी तो काटा जा चुका है, तो सिर्फ ये जगह थोड़ा सा बचा हुआ है मतलब बहुत दिनों से। तो अभी मैं आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगा, और विशाल दा को बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया क्योंकि उन्होंने मुझे परमिशन दिया, विशाल दा जो कि हमारे कॉलेज के GS है, तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि हाँ चलो ब्लॉग कर सकते हो लेकिन कॉलेज के अंदर नहीं करना। तो ठीक है, मैं रूल्स को मान कर चलूँगा, तो कॉलेज के अंदर ब्लॉग नहीं करूँगा, मतलब कॉलेज के बाहर मतलब जितना हो सके मैं कवर करूंगा एरिया को। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों ये जो देख रहे ग्राउंड है हम लोगों का कॉलेज का प्लेग्राउंड है, लेकिन बहुत ही हरियाली कम चुकी है और बहुत सारे पेड़ भी काटा जा चुका है, और देख सकते हैं यहाँ पर मतलब सूखे हुए पत्तों पर आग लगाया जा चुका है। तो ऐसे ही हम लोगों का कॉलेज में बहुत सारा चीज़ों जो है पेड़ और बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज़ों को काटा जा चुका है, तो मतलब सूख चुका है या फिर मर चुका है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 2 साल तक कॉलेज में नहीं था, इस साल फिर से आया हूँ। तो देख सकते हैं इधर भी, और ये जो हम लोग का चाचा है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉलेज का खिदमत करते हैं, मतलब कॉलेज का ध्यान रखते हैं, इनके वजह से जो है हमारा कॉलेज में मतलब साफ सुथरा रहता है इनके वजह से। तो ये जो जगह है ये बहुत पुराना है, तो यहाँ पर मतलब हरियाली बहुत ही ज़्यादा है, मतलब पिछले साल तो बहुत था लेकिन अभी कम चुका है ग्रीन्स, मतलब इतना अच्छा फ़ोटो वोटो आता था कि बताया नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सब फुटेज आप लोग को दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और
दोनों तरफ से हम लोग का कॉलेज का जो है गेट है, इधर से भी जाया जा सकता है और यहाँ से भी उधर से घूम कर। तो ये है कॉलेज का एक और ख़ास लोकेशन, और ये रहा तो देख सकते हैं। और स्टूडेंट अभी नहीं है क्योंकि कोविड-19 के वजह से बंद है, मतलब आज जिनका काम लाइब्रेरी में है तो वो लोग सिर्फ आए हुए हैं कॉलेज पर। और चलिए सामने जाते हैं, और ये रहा हमारा कॉलेज जो कि यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक ख़त्म होता है। और एक ये ही बहुत ही अच्छा मतलब जगह है जो कॉलेज में, मतलब यहाँ पर पानी रहता है तो अभी पानी सूख चुका है इस जगह पे, तो जब पानी रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर देखने में। और इधर भी बहुत ही ज़्यादा ग्रीन्स है। तो एक फुटेज मैंने 2018 में मतलब फर्स्ट फ्लोर से लिया था, तो वो फुटेज मैं आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर। अभी बहुत सारा स्टूडेंट अभी कॉलेज के अंदर आ रहे हैं, जिनको लाइब्रेरी का काम है तो वो लोग आ रहे हैं अभी। ये रहा हमारा कॉलेज का फर्स्ट फ्लोर, तो ये यहाँ से शुरू होता है मतलब ये साइड, और इधर बहुत ही अच्छा लोकेशन है तो उधर ख़त्म होता है। देख सकते हैं आप लोग पीछे बहुत ही अच्छा ग्राउंड है वहाँ पर, तो यहाँ का ग्रीन्स भी बहुत ही अच्छा रहता है। और वहाँ पर देख सकते हैं मेरा आरसी खड़ा हुआ है, और दो और भी स्टूडेंट है यहाँ पर है। हमारा कॉलेज का मेन गेट है, यहाँ से हम लोग कॉलेज के अंदर जाते हैं। तो निकलते हैं घर के लिए, चलिए। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ कॉलेज से बाहर और जा रहा हूँ घर की तरफ, तो चलिए। और रोड पे माशाल्लाह क्या रोड, खाली खाली रोड, तो खींचने में मजा तो आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो आप लोग तक पहले पहुँच सके। और जाकर मेरा इंस्टाग्राम आईडी चेक कर लेना, अगर पसंद आए तो फॉलो भी कर लेना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग के साथ।